जब भी आप डिप्रेस्ड या लो फील करते हैं तब आपकी सबसे ज्यादा क्या मांग होती है? पीस, जाने की शांति। और आपको पहाड़ों से अच्छी पीस कहां ही मिल जाएगी? आसपास वादे ही वादियां, ठंडी ठंडी हवा, प्रदूषण रहित वातावरण, आहा, क्या ही। बस फिर क्या, मैंने और एल्विन ने कैंपिंग टेंट रेंट किए और ट्रैक करते हुए चल पड़े त्रिण टॉप की ओर। रेडी है फिर ट्रैक ली? पूरा खाने पीने का भी सामान साथ में उठा लिया ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है खाने का पीने का सामान। वैसे क्या सॉर्टेड सीन है कि अगर आपने ना बिल्कुल अपने आप ही कर रहे हो विदाउट गाइड विदाउट एनीथिंग, तो आपको वहाँ पे ऊपर डब्बे वगैरह हैं, वहाँ पे आप खा सकते हो। और अगर आपने अपना कुक करना है तो सीन ही सॉर्टेड है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, अपने आप भी कुक कर सकते हो। अंदर कैसा लेह लद्दाख वाली फील है? चलो देखते हैं भाई। हाँ, काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कैफे बना हुआ है। ये कैफे बक्सू वाटरफॉल है, उसके पास है, तीन चार कैफे हैं बक्सू वाटरफॉल के पास। काफ़ी सही सीन है यार, अगर बंदे ने चिल करनी है, शाम को इवनिंग एंजॉय करनी है, आकर यहाँ पे आराम से बैठ सकता है, अगर ज़्यादा लंबा कोई ट्रैक वगैरह कुछ नहीं करना। ये लेह लद्दाख कह रहा था, हम त्रिण का ट्रैक का रास्ता पूछ रहे थे, इधर कहने लग गया भाई लेह लद्दाख का रास्ता किधर है, वो देखने लग गया भाई लेह कहाँ पे है यहाँ पे। वो भी पूरा पूरा फनी सीन हो गया था। कैसे लगा फिर ये कैफे? बहुत जबरदस्त। ये शिवा कैफे है, ये बासू वाटरफॉल के पास ही है और स्टार्टिंग रोड से अबाउट 1 किलोमीटर भी नहीं कह सकते, 1 किलोमीटर से भी कम होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल कैफ़े है, आप यहाँ पे भी अकेला शिवा कैफ़े आना है तो आप शिवा कैफ़े आके एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छे म्यूज़िक चल रहे होते हैं और वाइब आप एंजॉय कर सकते हो। हेलो, अभी यार इस सीज़न में फॉरेनर्स भी काफ़ी आए हुए हैं, सर मैं हैरान था कि फॉरेनर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार उनको देखकर। भाई लेग वर्कआउट पूरा हो जाएगा, पूरा एक इकट्ठा ही जिम की कसर निकालेगा तो सारी मेरी। लप्रीत केड़े पहाड़ी ने ना, वो यहाँ के हर रोज के दो दो तीन तीन चक्कर लगा जाते हैं आराम से। इधर हम देख लो आधे रास्ते में ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करके चले। आई थिंक पीछे 1.5-2 किलोमीटर के बाद ये कैफ़े आ गया होगा जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर सकते हो। आपको रिफ्रेशमेंट की है इस ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं आएगी आराम से, थोड़ा सा महंगा होगा बट आपको आराम से मिल जाएगी। भाई आप फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं नहीं, मैं भाई सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम आया? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया भाई, आपसे मुलाकात हो गया, अच्छा लगा। इधर भाई लोग मिले थे आप कहाँ से भैया? हम भाई दिल्ली से। दिल्ली से भाई मिले, काफ़ी अच्छे हैं और बस साथ में ट्रैक करते जा रहे हैं ऊपर। एक मिनट, बिग थैंक सर, थैंक यू मिलने की। इधर भाई कह रहे हैं, ऐसे कह दे कि सब्सक्राइबर्स मिले हैं इधर। बट ऐसे कैसे भाई। इधर भाई साहब कह रहे हैं, कहते भाई ने इंस्टाग्राम पे डाला था कि अगला ट्रिप तेरा त्रिउंड होगा मेरा, और उसके पीछे उनसे मिलने के लिए आपके पीछे आ गए ऐसे को व्लॉग में। हेलो गाइस, ये देखिए इनकी हालत। चलो 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 चलते जाओ। आपके YouTube का यस चैनल का नाम कुशम सराव, चैनल का नाम भी वही है। हाँ जी ऑडियो
ये अभी ट्रैक की हाफ पॉइंट पे पहुंचे हैं, जो कि 3 किलोमीटर बाद हाफ पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 आपको मैगी पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे। बस ये हाफ डिस्टेंस पे रेस्ट कर रहा था और ट्रैक दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हाफ रास्ते में इनसे मिला था। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये, काफी इनके साथ काफी अच्छी इंटरेक्शन हो गई। ओके, ये डॉगी तब से हमारे साथ ही ट्रैक कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे जा रहा है भाई, हमसे आगे। एक तरीके से ना मेरे को मोटिवेशन की तरह के यार आया, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ जल्दी। ट्रैक के रास्ते आपको काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, इनसे थोड़ा सा ध्यान रखना, हाथ वगैरह नहीं लगाना। बीच में कई झाड़ियाँ थोड़ी सी जहरीली होती हैं, सो अगर आप लगा लोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। यार अभी ना मौसम इतना शांत हो गया, शांत तो नहीं यार, इतना सुहाना मौसम हो गया ना, मज़ा आ रहा है भाई। थोड़ी थोड़ी सनसेट भी होनी स्टार्ट हो गई और मौसम पूरा ठंडा है। नीचे ना धर्मशाला और मैकलोडगंज का व्यू दिख रहा है, वो देखो, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई, मतलब अल्टीमेट वाइब है। इधर लपरीत मेरे को काफ़ी अच्छा सिनेमेटोग्राफर मिल गया, पूरे अच्छे अच्छे रील्स और व्लॉग के लिए सिनेमेटिक शॉट्स ले रहा है, मज़ा आ रहा है भाई देखकर। और व्लॉग में तो भाई अल्टीमेट वाइब भी बन जाएगी, देखना आप ना, देखना यार आगे जाते जाते कितना अच्छा व्यू आ गया भाई, वो देखो कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप सा हो गया और इनरेगुलर सा रास्ता हो गया, कहते इसके बाद थोड़ा सा प्लेन सा रास्ता आ जाएगा। वैसे इतना स्टीप भी नहीं कि अगर कोई आपको दिक्कत आएगी, कर सकता है बंदा आराम से, बस धीरे धीरे चलना है। ऐसे नहीं है कि बंदा स्प्रिंट वगैरह मार ले और स्लो हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे ज़्यादा सांस फूलती है। मॉडरेट स्पीड पे हौली हौली चलते रहो, बस ये रूल है। किसका कॉल आया? हेलो हेलो पाजी, असी भी इत्थे ही हां और असी इत्थे ही मिलेंगे कल सवेरे नू। भाई वो देखना कितना अच्छा व्यू है, वो है इंद्रहार रेंज, जहाँ की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ यार, अगर सारा कुछ सही चला तो वहाँ तक ट्रैक करके आना है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से 35 किलोमीटर है। देखो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरी कम्प्लीटली स्नो से फिल है भाई वो। अभी 5 बज गए और सनसेट होने लग गई और थोड़ी थोड़ी ठंड होने स्टार्ट होने लग गई। ट्रैक कर रहा हूँ उससे गर्मी भी आ रही है, बट थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। आई थिंक एक हल्की लेयरिंग करनी पड़ेगी, शायद रात तक तो काफ़ी ठंड हो जाएगी। लग रही है लपरी ठंड पूरी 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 भाई, तेरे को कैसे ठंड लग जाएगी? क्यों ना, इतनी मोटी ये भाई है तूने? मैं मोटी कितनी की मोटी? आ जाओ आ जाओ ऊपर चढ़ जाओ, आ जाओ इधर ऊपर आ जाओ, यहां से यार ठंड होगी, जैकेट वगैरह डाल ले, अभी ठंड लग रही है, अब ठीक है। लो भाई फाइनली त्रिण टॉप पहुंच गए। एग्जैक्टली टॉप पे कहते कैंपिंग करना अलाउड नहीं, टॉप से थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा बाद में हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो हमने एक टॉप से पहले थोड़ा सा एक ढाबा, शायद ढाबा एक तो नहीं दो तीन ढाबे पीछे आप देख सकते हैं मेरे, वहाँ पे सोच रहे हैं वहाँ पे कैंपिंग कर लेंगे और वहाँ पे कैंपिंग करते हैं और कल आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि आगे आज ही त्रिण क्रॉस करके आगे चले जाएंगे, बट हमने ट्रक लेट स्टार्ट किया है और यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो आगे जाने की तो कोई सेंस बनती नहीं, कोई फ़ायदा नहीं आगे जाकर। बस अभी टेंट वगैरह सेटअप करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन अच्छी लग रही है, पास में थोड़े से और टेंट भी लगे हुए हैं, सेफ भी है, उधर कैफ़े वगैरह हैं वहाँ पे डिनर कर लेंगे।
लो भाई टेंट वगैरह तो सेटअप कर लिए, बस अभी सामान वगैरह अंदर रखते हैं और अंदर ही घुसते हैं भाई। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई बाहर, मैं देख रहा हूँ रात को कितनी ज़्यादा ठंड होगी। भाई हमारा टेंट भाई मस्त पूरा बड़ा टेंट है, मज़ा आ गया और आराम से यहाँ पे रहेंगे। जब मैंने रेंट किया था मेरे को ऐसे था ये 2% वाला ही कैंप देंगे, पर इन्होंने 3% वाला ही दिया था और आराम से दो बंदे आराम से यहाँ पे पड़े पाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और भाई यहाँ पे ना मेरे को ऐसे था थोड़े से कम कैंप ही होंगे, यार फ़ोन गिर गया मेरा, थोड़े से कम कैंप ही होंगे बट यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा कैंप हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इतने कैंप नहीं थे और यहाँ पे ढाबे वगैरह पे डिनर वगैरह कर लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, आराम से वो कर सकते हैं। अभी ऊपर यार डिनर में दाल रोटी और राजमा चावल हैं, ये बफे सिस्टम से होता है, कितना मर्जी खा लो ठीक है यार, ज़्यादा मसाले वगैरह होते हैं। ऊपर रात को थोड़ी बॉनफायर वगैरह भी होती है, आप दूसरे ग्रुप को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे बॉनफायर वगैरह भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है यार आप कैसे इंटरेक्ट वगैरह कर रहे हो, अगर अपने आप अपने बॉनफायर करने तो आप कर सकते हो। भाई रात को इतना अच्छा माहौल हुआ है यहाँ पे, अलग अलग कैंप वालों ने अपनी अपनी बॉनफायर की हुई है, है तो थोड़ा सा क्राउडी बट मज़ा आ रहा है भाई, पूरा अच्छे वाला सीन है। अगर आप ऐसे सोचते अगर पीस करनी है, पीस मतलब पूरा शांति में रहना है तो आप थोड़ा सा दूरी लगा लेना यहाँ से कैंप। अगर आप ऐसे सोच रहे हो यार इंजॉय करना है फन करना है तो ये प्लेस सबसे बेस्ट है, त्रिउंड से थोड़ी सी नीचे है और वहाँ पे आपको 3-4 डब्बे मिल जाएंगे, जो पैकेज वाले होते हैं ना वो यहाँ पे लेके आते हैं और आप यहाँ पे ही कैंप वगैरह अपना गाड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई फॉरेस्ट का ऐसे चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है। अभी बस कैंप में सोने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट सब कुछ कर जाना और गुड नाइट। गुड नाइट। और काफ़ी ठंड हो रही है पर मज़ा आ रहा है भाई कैंपिंग करके, यहाँ पर पूरा सही है।